बस 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 सबर सबर तसली नाल अभी तो बहुत कुछ देखना है भाई उससे पहले ज़रा सलाम दुआ कर ले असलम गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो हो गया अब वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब ठीक है ये भी हो गया अब आते हैं भाई मुद्दे की तरफ भाई भाई यार ये जो आज की जो फाइट है मैं आपको पूरी की पूरी मैं चस् वोटा छस करवाऊँगा बस आप लोगों ने ना वीडियो एंड तक देखनी है ठीक है अंदाज़ा लगा लो किस तरह में ये इवेंट में फुल अभी हबशी मोड बोलने वाला था यार वैसी मोड ऑन था ठीक है तो आप सीम भी ओ हो सकता है समझ जाओ भाई कुछ भी हो सकता है ठीक है तो भाई फुल थपा हुआ हो नहीं रुक रहा हो भाई मैं रुकने वाला नाम नहीं ले रो कि मैं इधर से ये हेलमेट उठाऊंगा नीड उठाऊंगा नीड करूंगा नहीं आज की गेम प्ले बिल्कुल चेंज है भाई भाई इम्पॉसिबल सर्वाइव होगा समझ आ रही है उससे पहले बस आप लोगों ने जी नहीं लिखना है अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है अच्छे कमेंट्स वन अच्छे कमेंट्स टू मतलब ये नहीं कि आप लोग अच्छे कमेंट्स ही लिखो जो अप्रिशिएट वाले कमेंट्स थे वो 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 लिखने यहाँ क्या वन वी टू देखो ज़रा बस अभी फुल सीरियस गेम है ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में स्ट्रेटजी की गेम क्या होती है और एक गलती की वजह से किस तरह आप मर सकते हो ठीक है यहाँ पर आप सर्कल की तरफ भी गौर करो सर्कल भी कटने वाला है और हम सर्कल में नहीं गए ओपन में ही मैं रुक गया क्यों क्योंकि मेरे पास ओम था और आगे सामने है चार अरबी समझ आ रही है और इसके पास भी ओम था यहाँ पर मेरा शॉट पता नहीं कैसे मिस हो गया भाई बिल्कुल हेड पे ही मैंने मारा था लेकिन खैर कोई बात नहीं ठीक है यहाँ पर अगले जो दो बंदे थे ना दोनों के पास से एम था और हम थे ओपन में सर्कल भी हम पे नहीं था और यहाँ पर मुझे पड़ जाती बॉडी शॉट और उसके साथ साथ मैं नॉक हो जाता हूँ ठीक है यहाँ पे सर्कल भी देख लो उनतालीस सेकंड से सर्कल कट रहा है और मेरी हेल्थ आप देख सकते हो फुल ब्लीड आउट हो रहा हो और टीम को मैंने कहा कि भाई गाड़ी में जल्दी से आओ मुझे रिवाइव करो और साथ ही साथ अगले टीम को मैंने कॉल दिया कि इस गाड़ी पे स्मोक करो क्योंकि जैसे ही मैं रिवाइव हो जाऊंगा आप दोनों ने निकलना है लेफ्ट एंगल से और मैं स्ट्रेट लड़ूंगा और एनिमीज यही सोचेंगे कि भाई ये दो बंदे टोटल तीन बंदे उसी एंगल पे गए सामने कोई नहीं है टीम को बैट कर रहे हैं लेकिन इतने में भाई मैं जैसी स्मोक करता तो हूँ हमारा एक टीमेट नॉक हो जाता है और रिवाइव का कोई भी ऑप्शन नहीं होता ठीक है थीके? मैंने स्मोक कर लिया और दोनों टीमेट जो है लेफ्ट से जाने की कोशिश कर रहे थे इतने में एक टीमेट हो गया नॉक और एक ही रह गया मतलब कि फोर बी टू की सिचुएशन है अब इस सिचुएशन में अपन का जो स्ट्रेटजी है अपन माइंड गेम खेलता है भाई आप लोगों को सिखाता भी हूँ के साथ साथ एक एक में स्मोक कर रहा हूँ ठीक है तसल्ली से स्मोक कर रहा हूँ कि किस एंगल पे जाना है या पर मैंने गलती की मेरा शॉट भी मिस हो गया और इनको मेरी लोकेशन भी पता चल गई थी वहाँ पर मेरा टीमेट मुझसे काफ़ी दूर है अगर मैं नॉक हो गया तो ये मैं यहाँ पे गया और आगे अच्छी टीम है फुल तगड़ी प्रो है अपग्रेडेड अरबी है एक और स्मोक मैंने कर लिया और फिर से मैं फर्स्ट एड लगा रहा हूँ ये क्या है ब्लू जोन में ये रुक के मैं फर्स्ट एड लगा रहा हूँ अभी तक मैं ब्लू जोन में सर्कल में एंटर नहीं हुआ हूँ अभी मैंने टीमेट को कॉल देना है कि भाई आप इधर से फायर करो ताकि उनका पूरा रुख जो है आप पर आए और अपन मजे से सर्कल में एंट्री मारे तो फाइनली हम अपने जो है ट्रिक में कामयाब हो गए और तसली से मैंने फर्स्ट लगा लिया इतने में अभी हमारे जो वुल्फ भाई हैं एक नॉक कर लेते तो अभी हमारा पट से शॉट देखो जरा दिस इज़ कॉल्ड कि गेम को पलटना ठीक है ये मेन चीज है भाई गेम के असल रूल्स ये कि किस तरह आप हारी हुई गेम को जीत सकते हो अगर साठ से आप देख लो वहाँ पे बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सीन था ठीक है अब एक बंदा मैंने नौकी एक मेरे टीमेट ने नो दो बंदे रहते तो अपन ग्रेनेडे है ऑन द स्पॉट ग्रेनेड करेगा भाई ये जाएगा डायरेक्ट फट जाएगा पहला बंदा फिनिश दूसरा बंदा नॉक सॉरी हाँ ऐसी सीन थी थी है ठीक है अब बाकी जो दो बंदे रह गए पहले इधर से मैंने नेट ट्राई किया नहीं पटा ग्रेनेड करना है भाई जब इतना पता चल जाता है कि सामने एनिमी है तो फिर ग्रेनेड करना है ये जो नॉक है इसको फिनिश नहीं करेंगे अब ये वाला नेड चक्कर और डायरेक्ट जाके एनिमी के सर पे पटेगा चलो जी जबरदस्त कमेंट

ये देखो बाय बाय इसके लिए हैश टेग थ्री कमेंट भी जल्दी से हो जाओ टाइम वेस्ट नहीं करो टाइम वेस्ट नहीं करो ठीक है तो इतने में भाई तीन बंदे रह गए थे और भाई दो बंदे गाड़ी में पुश कर रहे थे सामने वाला बंदा एम टू फोर से कवर दे रहा था वो मेरी स्ट्रेटजी मुझ पर आज़मा रहा था मेरे टीम मेट ने एक नॉक किया दूसरे बंदे को मैं नॉक कर लेता हूँ अब देखो भाई गलती देखो जो भी बंदा स्ट्रेटजी आजमाता है ना वो अच्छा खेलता है मैं ये पहले सामने था लेकिन इसने रोटेट करके लेफ्ट पे आ गया मैं इधर से इमोट कर रहा था इसके सामने दे मार साढ़े चार वाली एक्टिंग कर रहा था तो मुझे नोक साथ दस्ती दस्ती फिनिश कर दिया अब उठाओ कलम और कापी और नाम नोट करना स्टार्ट कर दो समझ आ रही है नाम नोट कर लो और इसके बाद भाई चार बंदे भाई भाई इन्होंने पूरी लॉबी खाली की थी पर मैं बिजी था कोई कमेंट वमेंट शायद पढ़ रहा था तो इतने में एकदम से चार बंदे आते गाड़ी में और भाई भाई, भाई बिल्कुल मतलब मैं रेडी नहीं था प्रिपेयर नहीं था फाइट लेने के लिए सीन देखो जरा टीम से अंदाजा लगाओ कितना टीम वर्क था साथ ही साथ अपने टीम मेट पे इसने स्मोक किया और एक कवर दे रहा था दो बंदे नॉक हो गए एक और बंदा जो है किसी और एनिमी ने नॉक कर लिया लास्ट बंदा रहता था और अभी यार मैं बताऊँ कि यार अगर ये मेरा क्लच होता तो आप लोग सोचो कि कितना मजा आता समझ आ रही है और मेरी गलती देखो ये जो ग्रेनेड करते हैं ना पता नहीं होता यहाँ पर मैंने नेड को किया एनिमी सामने वाले हाउस में जा रहा था तो मैंने वहां पे नेड करने की कोशिश की और मैं यहाँ पे मर गया कसम से इतना मुझे दुख हुआ है इतना दुख हुआ और साथ साथ मेरे साथ ये न्यू वाले हो रहे, ये वॉइस कंट्रोल आ जाता है तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है काइंडली यार नेड़ तब तक ना क्या करो जब आप अकेले रहते हो और आपका बहुत हैवी क्लच हो कभी कभी इस सिचुएशन में ना आपका क्लच मिस हो जाता है जैसे कि ये वाला वल्ला ही दिल से मुझे दुख हुआ है और आप लोगों को भी दुख हुआ होगा तो अभी दुख भरी कमेंट कर दो ठीक है अब आ गए हम पाकिस्तानी लोभी में और अभी मैं बताता हूँ कि यार एनिमीज के साथ हमने क्या किया यहाँ पर नीचे देखो एनिमी घूम रहा है समझ आ रही है और मैं मतलब मैं सोलो खेल रहा था मुझे काफ़ी कमेंट सारे रहे कि यार आप सोलो खेलो स्ट्रेटजी वाली थोड़ी सी गेम खेलो मजा आएगा समझ आ रही है अभी इस, इस बंदे के साथ मैंने क्या किया ठीक है या ये इस छत के इस बिल्ड इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में है और मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि यार ये, ये ये तो निकलेगा क्योंकि यार पाकिस्तानी खुदा की कसम इतना होल्ड करते भाई तरह निकाल लेते हैरान होते कि यार ना आपको पुश करने देंगे अगर आपने पुश किया आप मर जाओगे तो मजबूरन या पर मैं बोट बने की एक्टिंग कर रहा हूँ मतलब इसको तो पता चल गया कि मैं निमी हूँ अब मैं बोट बने की एक्टिंग करूँगा अभी देखना ज़रा तो भाई वो जो पहला बंदा आ रहा था उसके मुझे प्रॉपर स्टेप्स आ रहे थे तो जैसे ही उससे वो करीब आ गया ना इसने जंप मारा मुझे पता था ये आएगा और इसके साथ दूसरे बंदे को भी फुल हैवी वाला एफ पी शॉट पड़ा दोनों को मैंने नॉक कर दिया लास्ट बंदा रह गया लास्ट बंदा सामने से सा पुश कर रहा है पबजी वाले मैं बता रहा हूँ मेरे साथ मिले हुए बताऊंगा किससे अब मैं वन एचपी मेरे पास गन भी नहीं है और यहाँ पर अपन को मिल गया डीबीएस भाई भाई तो यार डीबीएस तो कभी हमसे चली भी नहीं है वो सिर्फ एनिमी से चलती है टेंशन नहीं लो लेकिन यार इस बार तो कली तो कली देखो क्या होता है भाई ये पता नहीं कैसे यार वन वी थ्री हो गया खैर ये भी एक हल्का पुल्का सा वन वी थ्री समझ लो ठीक है अभी मैं आपको डायरेक्ट स्टोरी पे के पास ले जाऊंगा कि यार असल में स्टोरी फाइट क्या होती है यहां पर खर नजर आ रहा है आपको खर ने मेरे साथ स्टार्ट में क्या किया खर को हमने जिंदा नहीं छोड़ना है टीम के साथ हम लोग फुल रेडी थे इसको फाड़ने के लिए ठीक है मतलब इसको मारने के लिए इसका तो पढ़ना तो ऐसे भी होता है इसको मारने के लिए फाइनली हमने इसको मार दिया और अभी मैं अगली टीम बताऊँगा कि यार अगली टीम कितना अच्छा खेल रही है देख लो यहाँ पर स्प्रे देखो अपन का पता है ना फॉरैक्स कैसे चलाता है भाई लोंडे की मूवमेंट चेक करो भाई भाई जी जी हो यार बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए दिल से अप्रीशिएट है ठीक है बंदे के लिए और ये तीन बंदे थे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे लेकिन भाई भाई अपन से बचने वाला आज कोई नहीं आज फुल बीस्ट मोड ऑन है तरीके से खेलेंगे और एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इस टीम को मैंने बेट किया और किस तरह इसको मैंने सर्कल में बुलाया आउट ऑफ सर्कल नाम पढ़ लो लोंडे का कलम कापी में नाम नाम नोट कर लो ठीक है मित नाम है यहाँ पर जो है सर्कल कट रहा था और मैंने गाड़ी में बैठा ठीक है गाड़ी में बैठ के मैंने इनके मुंह के सामने से गाड़ी गुजारी कि भाई जान हम जा रहे सर्कल बाय बाय टाटा सर्कल में मिलेंगे ये सिर्फ इनको बेट करने के लिए या हम सी वो भी, भी ले सकते हैं मैं चाह रहा था कि फाइट थोड़ी सी लंबी जाए और इंटेंस सिचुएशन हो ताकि मैं अपनी आवाम को दिखा सकूँ मैंने गाड़ी यहाँ पर रोकी और मैं खुद इस पोजिशन पर आ गया मुझे पता था कि इस टीम ने यहाँ पर आना है लेकिन भाई ये मेरे साथ न्यू ग्लिच हो रहा है यह वॉइस कंट्रोल आ जाता है साला ये तो क्या खत्म नहीं होता बे हर चीज मेरे साथ ही होता है तो इसी वॉइस कंट्रोल ग्लिच में लगा हुआ था इतने में भाई भाई तीन बंदों का पुश और फास्टेस्ट वन थ्री अब इस टीम पे तो वन बी थ्री हो गया ना देखो भाई मैं माइंड से खेलता हूँ मुझे पता था वो दूसरी टीम यहीं पे आएगी लेकिन वहाँ उनको ना मेरा जो फायर पता चल गया उन्होंने भाई पार्टी बदल ली लोकेशन चेंज कर ली और एक घंटा मुझे लगा क्या लोड करने में एम जी थ्री तो भाई आप देखो ये लोग भी स्ट्रेटेजी के साथ खे रहे थे एक बंदे को नीचे रोक दिया और दो बंदे गाड़ी में पुश कर लेकिन वो एक बंदा किसी कैंपर के हाथों छड़ के नॉक हो गया और दो बंदे मेरे टीममेट पे आ गए अपन यहाँ से पूरा कवर दे रहा था पहला बंदा भी नॉक करे तो और दूसरा बंदा भी मैं दूर से मार लेता हूँ और इसी तरह वीडियो का अख्तितम ये पे होता है तो लाइक सब्सक्राइब नहीं भूलना फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना